ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस के सांसदों का जो प्रदर्शन है, इसकी वजह से कोलकाता से लेकर के राजधानी दिल्ली तक चुनावी पारा हाई हो गया है। चुनाव आयोग के दफ्तर के बाहर टीएमसी सांसद अभी भी प्रदर्शन कर रहे हैं। पुलिस ने कल प्रदर्शनकारी सांसदों को हिरासत में लिया था। चुनाव आयोग से मिलने के लिए पहुंचे थे टीएमसी के सांसद। केंद्रीय एजेंसी के जितने भी चीफ हैं, जितने भी प्रमुख हैं, उन्हें बदलने की बार बार मांग की जा रही है। सेंट्रल एजेंसी के गलत इस्तेमाल का भी आरोप लगाया जा रहा है। ये जो प्रदर्शनकारी सांसद हैं, इंडिया न्यूज पर लाइव सुनिए। हमारे पार्टी ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस की तरफ से 10 एमपी और एक्स एमपी का डेलीगेशन इलेक्शन कमीशन के फुल बेंच के पास आए थे और चिट्ठी देके हम अपील किए थे कि इस पर ध्यान दिया जाए कि लेवल प्लेइंग फील्ड के लिए सीबीआई, ईडी, एनआईए एंड इनकम टैक्स का जो चीफ है उसको बदल दिया जाए। वी प्रोटेस्टेड, वी वर देन ब्रॉट हियर टू दिस मंदिर मार्ग पुलिस स्टेशन, वी स्पेंड द नाइट इन द पुलिस स्टेशन। नाउ आवर 24 आवर धरना कंटिन्यूज अंटिल 5 PM टुडे। और वहीं भारतीय जनता पार्टी पर अभिषेक बैनर्जी ने भी जोरदार हमला बोला है। शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे हमारे नेता, ये टीएमसी के महासचिव अभिषेक बैनर्जी ने कहा। अभिषेक बैनर्जी ने कहा, महिला सांसदों पर जुल्म ढाया गया, महिला सांसदों को जबरदस्ती खींचा गया। दिल्ली में हमारे नेता के साथ में बर्बरता हुई है, अभिषेक बैनर्जी ने कहा। दिल्ली में जो हुआ वो पूरी तरह से गणतंत्र की हत्या है। टीएमसी महासचिव अभिषेक बैनर्जी को एक बार लाइव सुनिए। যদি কোনো প্রমাণ না থাকার সত্ত্বেও দুবার বাংলায় রাজ্য পুলিশের ডিজি চেঞ্জ হয়, তাহলে আমাদের হাতে প্রমাণ রয়েছে কেন এনআইএ ডিরেক্টর চেঞ্জ হবে না, কেন ইডি ডিরেক্টর চেঞ্জ হবে না, কেন সিবিআই ডিরেক্টর চেঞ্জ হবে না। আমরা রাজ্যপালকে বলেছি যে আপনি সংবিধানের ধারক এবং বাহক, বিশেষ করে এই রাজ্যের, আপনি নিজেকে বারে বারে গণতন্ত্রের রক্ষাকর্তা হিসেবে দাবি করেন। আপনারা ভাববেন আমি কেন ইলেকশন কমিশন অফ ইন্ডিয়া বলছি, কেন বিজেপি বলছি না, কেন যার অধীনে দিল্লি পুলিশ বা সিআইএসএফ তাকে দোষ দিচ্ছি না। পুরো মেশিনারি স্টেট গভর্নমেন্ট হোক বা সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট, যে মুহূর্ত থেকে নির্বাচন ঘোষণা হয় চলে যায় ইলেকশন কমিশনের হাতে, এবং সেখানে শান্তিপূর্ণভাবে 10 জন যদি বসে প্রতিবাদ জানায়, তাদের হাতে কি ছিল? বোম, বন্দুক, লাঠি। दरअसल ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस के नेताओं का और सांसदों का मानना यह है कि पश्चिम बंगाल में जबरदस्ती ईडी और सीबीआई का एक्शन चल रहा है। इन सभी सेंट्रल एजेंसीज के मुखिया को बदलने की डिमांड की जा रही है। चुनाव आयोग के दफ्तर के बाहर प्रदर्शन किया गया और इसी दफ्तर को लेकर के सिर्फ टीएमसी बीजेपी नहीं बल्कि टीएमसी और जेडीयू भी आमने सामने हैं। झगड़ा हुआ तो इलेक्शन कमीशन को इम्पार्शियल काम नहीं करते, उसके खिलाफ हमें आवाज उठाना है, वही उठाए। डेरे कोबरा है ना, डोला से हमारा तो राज्यसभा एक पुलिस उसको खींच के लेके मैं इसको वोट निंदा करता। इनका चुनाव की निष्पक्षता से और चुनाव के संचालन से इनका कोई रिश्ता नहीं है। ये चुनाव में सोसेबाजी के अलावा और कुछ नहीं।